नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं लेजी पे लेटर के बारे में कि 2024 में लेजी पे लेटर 12,000, 64,000, 2,00,000, 2.5 लाख, 3 लाख का लिमिट जो है लोगों को शो करवा रहा है और लोगों के पास बताता है कि आपकी अगर एक अच्छा रिपोर्ट रहेगा, अच्छा रिकॉर्ड रहेगा तो आपको हाई लिमिट दी जाएगी। अब यहाँ पे सवाल है कि 2024 में लेजी पे लेटर को कितना हद तक लोग पसंद करेंगे, क्या लोग यूज कर पाएंगे, चलिए बताने वाले हैं। लोग लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पे अमेजोन पे लेटर के आगे, फ्लिपकार्ट पे लेटर के आगे, क्रेडिट कार्ड के आगे लेजी पे लेटर को लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब इसका वजह आपको बता दूं, देखो यहाँ पे दो रीजन है। पहला रीजन, लेजी पे लेटर को अगर आप इसका पैसा बैंक में लेना चाहेंगे, कुछ साइटें हैं काफ़ी हाई चार्ज ऐड कर रही हैं और वो पैसा आपके पास पहुँचते पहुँचते चार्ज पे करने चक्कर में आप बर्बाद जाओगे। तो यहाँ पे लेजी पे लेटर जो है वन कार्ड का ऐड दिखा रहा है ऐप के अंदर, क्लिक करके आप वन कार्ड ले लो, और भी RBL बैंक कार्ड था जिसकी टाइप था वो कार्ड आप ले लो। इस तरीके से अब इसमें काफ़ी टाइम से शिफ्टिंग किए हैं। और यहाँ पे जो लेजी पे लेटर दोस्तों, इसकी जो लिमिट है काफ़ी लोग यूज नहीं कर रहे हैं, इसकी कुछ वजह बता रहा हूँ। तो यहाँ पे पहला वजह ये है कि लेजी पे लेटर जो है ये दोस्तों, मतलब कि आप बिल पेमेंट रिचार्ज के लिए इस्तेमाल कर पाओगे। बैंक में पैसा तो आप इसको अगर लेना चाहोगे तो आपको एकदम चार्ज जो है लेजी पे तो नहीं लगाएगा। अदर जो मर्चेंट है जिससे आप कर रहे हैं वो पैसा आपसे एक्स्ट्रा ऐड कर लेगा। अब दोस्तों यहाँ पे बिल पेमेंट पे ही ये काम कर रहा है, और यहाँ पे अगर सेम काम अमेजोन पे लेटर कर रहा है, बिल पेमेंट रिचार्ज सब कुछ, कोई चार्जेस नहीं, कोई लफड़ा नहीं, सिंपल तरीके में आप कर लो, तो यहाँ पे दोस्तों लोग अमेजोन पे लेटर को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। जिनके पास क्रेडिट कार्ड है वो क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर ले रहे हैं, इसलिए 2024 में लेजी पे लेटर को बहुत कम लोग ना के बराबर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे सो कुछ साइटें हैं, इनको लिंक करके रखी हैं कि आप कोई पेमेंट करने जा रहे हैं तो लेजी पे का ऑप्शन आता है, कोई खरीदारी खरीदने जा रहा है, कोई सामान लेने जा रहे हैं, वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा लेजी पे का। बट सो यहाँ पे भी कुछ साइटें चार्ज ऐड कर रही हैं, तो इस तरह से लेजी पे लेटर को लोग इस्तेमाल ना के बराबर करेंगे। और लेजी पे दोस्तों जो लेटर है ये हमें लगता है कि आने वाले टाइम में इसको अगर कुछ लोग अभी कर रहे हैं तो आगे तक लोग नहीं करेंगे। अब से ये हाई लिमिट जो दिया जा रहा है 50,000, 60,000, 2,00,000, 2.5 लाख, तो ये किस किसी काम लायक है दोस्तों? मैं आपको बता दूं, ये आपके काम में नहीं आने वाला है। अब क्यों नहीं आएगा? अगर आप गलती से पैसा बैंक में किसी साइट के थ्रू अगर लेना चाहते हैं तो वहाँ पे एक हाई चार्ज देना पड़ेगा, जो कि लोन के रूप से भी आपको महंगा पड़ जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि YouTube पर वीडियो डाले हैं कि आप मुझे संपर्क करो, मैं पैसा निकाल दूंगा, वो भी आपसे चार्ज लेंगे। पहले आपको परचाएंगे, आप जब उनकी तरफ आकर्षित हो जाओगे फिर आपसे एक्स्ट्रा एड मनी करेंगे, आप उसी में एकदम उलझ जाओगे। तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपके पास अमेजोन पे लेटर है, तो आप इसको इस्तेमाल करो, लेजी पे लेटर को आप सोच समझ के इस्तेमाल करो अगर आपको जरूरत है तो। बाकी सो कोई बुराई नहीं है, लेजी पे लेटर का जो सिस्टम है काफ़ी बढ़िया है, सिविल आपका भी अपडेट होगा ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे दोस्तों अगर लेजी पे थोड़ा से अच्छा काम और करके इसको एक ऑप्शन देता कि आप बैंक में ही ट्रांसफ़र कर लो इस पैसे को, तो इसमें ज़्यादा लोग हैप्पी रहते हैं और लोगों की नीड जो है पूरी हो जाती है। देखो सबको तो बिल पेमेंट रिचार्ज के लिए ज़रूरत नहीं है, कुछ लोगों को होता है इमरजेंसी में, लोग लोन लेते हैं 2,000, 4,000, 5,000 का, तो उसकी जगह पर इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इसमें ये सिस्टम को ऐड करना चाहिए, बट सो ये ऐड नहीं होगा क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक लेजी पे कंपनी का लॉस जाएगा। तो आप बताना कि आप यूज करना पसंद करोगे, अपने कमेंट में ज़रूर देना। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, और आपकी लिमिट कितनी है, आप किस मंथ में कितना इस्तेमाल किए वो भी शेयर कर देना। तो चलिए नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।